आज मैं बनाने वाली हूँ मेरे किचन पे मुंबई के स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंकी। बहुत एकदम मजेदार, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी होता है। और ये बीच में भी जब हम घूमने जाते तभी उधर भी मिलते हैं। तो मैं मेरे तरीके से, इजी तरीके से मेरे किचन पे बनाती हूँ। तो चलो चलते हैं मेरे किचन पे। फ्रेंकी बनाने के लिए हमने ले लिया है एक कटोरी मैदा। मैदे में हम थोड़ा सा आटा का भी मिक्स करेंगे, तो ये हाफ कप आटा भी ले लिया मैंने। ये तो मैं कितना रोटी बनाऊंगी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से, आप लोग जितना आपको चाहिए उतना ले सकते हो इसी हिसाब से। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, डाल के हम इसको गूंद लेंगे, अच्छा सा एक डो बना लेंगे। नॉर्मल पानी डाल के गूंद रही हूँ मैं। वैसे तो जो स्ट्रीट वाले भैया के पास मिलता है रास्ते पे, जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं फ्रेंकी, उसमें तो आटा नहीं देते वो लोग, मैदा ही देते हैं। तो हम घर पे बनाएंगे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा रोटी, तो इसलिए आटा और मैदा दो हम मिला लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट डो बना लिया हमने। अभी इसमें हम ऑयल लगाएंगे। तो ये बिल्कुल ऑयल लगा लिया है डो को। हम फ्रेंकी बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे सब कुछ। अभी हमने डो बना लिया, अभी मसाला बनाएंगे फ्रेंकी की, जो हम फिलिंग बनाएंगे उसके बाद फिर हम फ्रेंकी को जोड़ देंगे। तो इस पर हमने ढक के रख दिया है। तो फिलिंग बनाने के लिए आलू चाहिए, आलू को बॉयल करके छील लिया है। अभी हम आलू को मैश करेंगे, थोड़ा दर दर सा मैश करेंगे। अभी हम फ्रेंकी के लिए मसाला बनाएंगे। फ्रेंकी के मसाला आप फ्राई करके भी बना सकते हो, मसाला रोस्ट करके, पर मैं एकदम शॉर्टकट और इजीली बनाने के लिए ये पाव भाजी मसाला ले लूंगी। मिक्स कर देंगे हम चाट मसाला और पाव भाजी मसाले को। दो चम्मच पाव भाजी मसाला ले लिया, एक चम्मच चाट मसाला उसमें मिला दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बन गया है हमारा फ्रेंकी मसाला। ये टाइम आप फ्राई करके भी बना सकते हो, एकदम से ग्राइंड करके सारा मसाले को, पर मैंने ये सिंपल तरीका से और इजी तरीका से बनाने के लिए ऐसा ही मसाला। तो कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, ऑयल भी गर्म हो गया है। अदरक लहसुन के पेस्ट एक चम्मच दरदरा सा कुट लिया है, पेस्ट नहीं है ऐसा, दरदरा सा कुट लिया है वो डाल दिया। हरी मिर्ची डाल दिया। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हल्का सा। अब हम आलू डालेंगे इसमें। तो बॉईल किया हुआ आलू था, मैश कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो सॉस दो चम्मच, तीन चम्मच। अभी हम डालेंगे इसमें शेजवान चटनी दो चम्मच, शेजवान चटनी। अभी हम डालेंगे ये हाफ चम्मच नमक, ये है मम्मी वाला प्यार नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिलाएंगे नमक को भी। डालेंगे हम ये एक कप, मैंने लंबा लंबा सा चॉप कर लिया है शिमला मिर्ची कैप्सिकम, तो वो डाल रही हूँ मैं। ये तो जल्दी ही पक जाता है, ज्यादा भी नहीं गलाना है इसको, हल्का हल्का सा ही पकाना है। तो अभी हम इसमें डालेंगे एकदम पतला पतला बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। ये भी ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है, इसका वो क्रंची क्रंची सा रहना चाहिए इसके अंदर, फिलिंग के अंदर। अभी हम डालेंगे ये जो हमने फ्रेंकी के लिए मसाला बनाया है चाट मसाला और पाव भाजी मसाला मिला के, इसको डाल भर भर के डालेंगे ये।
दो चम्मच भर के डाला है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ ऊपर से गार्निश फ्लेवर के लिए, बहुत अच्छा सा ही फ्लेवर देता है ये भी। देने के बाद इसको थोड़ा मिला लेंगे और फिर मेरा ये फिलिंग बन गया है बिल्कुल। अभी हम आगे के स्टेप पे जाएंगे फ्रेंकी के। आते हैं हम आटे पे, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है एकदम। तो अभी हम इसका पेड़ा काट लेते हैं, जितना आपको बनाना रहेगा खाने के लिए उतना यह पेड़ा काटोगे। एकदम रेगुलर रोटी के साइज के पेड़ा काटेंगे हम लोग। थोड़ा सा आटा का सहायता लेके हम इसको बेलेंगे, बिल्कुल पतला पतला बेलेंगे। आप मोटा मोटा भी घर के रेगुलर रोटी के साइज के भी बेल सकते हो, ऐसे बिल्कुल ऐसे पतला बेला है। अभी हम इसको सेकेंगे, पूरा नहीं सेकेंगे, आधा कच्चा आधा पक्का पकाएंगे इसको, कच्चा पक्का सेकेंगे। बिल्कुल पतला ऐसे, और इसको कच्चा आधा पक्का पकाएंगे। इसमें वो जो सेकने के बाद एक डॉट डॉट आता है वो नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मैंने सब जितना मैं बनाऊंगी क्वांटिटी लिया उतना मैंने सब सेक लिया है ऐसे, एक देख सकते हो ऐसे। ये आप पहले से भी प्रिपेयर करके रख सकते हो, जब खाना देना है आपको सर्व करना है तब आप इसको फिर बाकी का कम फ्रेंकी बना के दे सकते हो। है फ्रेंकी बनाने के लिए फाइनल पार्ट। तो अभी हम पहले बटर दे देंगे इसको, इधर मस्का बोलते हैं मुंबई में बटर पे। ये जो हमारा 50% पका हुआ रोटी था इसको अभी हम सेकेंगे। अब ऑयल से भी सेक सकते हो, घी से भी सेक सकते हो। हमें ये जो हमने फिलिंग बनाया जो हम इसके अंदर डालेंगे उसको भी बटर में फ्राई करेंगे गरम करने के लिए। अब आ जाएगा ये हमारे रोटी के ऊपर। बिल्कुल जो फिलिंग बनाया हमने आलू का वो डाल दिया। अभी हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा ऑनियन, फिर ये पत्ता गोभी, थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता, और ये जो मसाला बनाया हमने फ्रेंकी मसाला, और भी हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। विनीगर भी डालते हैं पर मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। अभी हम बनाएंगे इसका रोल। हाँ तो ये सेकेंड वाला है, इसमें मैंने सारा जो पहले वाला में डाला था सब ऐसे ही डाल दिया है, और अभी मुझे मैं इसमें चीज डालूंगी इसलिए मैं इसको तवे पे बना रही हूँ। अभी ऊपर से इसको चीज ग्रेट करके दे देंगे। ये बन गया है, इसको अभी हम उतार लेते हैं। चलो टिश्यू में ये मसाला वाला हो गया है प्लेन, ये है चीज वाला, तो ये मेरा बन गया है दो टाइप की फ्रेंकी। आप लोग भी ऐसे ही बनाओ, एकदम बिल्कुल इजी तरीके से दिखाया मैंने। मुंबई के बीच में भी आप घूमने जाते हो तो ये मिलता है, और रोड साइड में भी ऐसा ही फ्रेंकी मिलता है। बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है, और बहुत इजी तरीके से बना के दिखाया मैंने। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लगा आपको। तो आज के लिए मैं वीडियो इधर ही खत्म करती हूँ। बाय।